हम सब ब्रह्मा प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जैन धर्म का सारा आधार जीव पर टिका हुआ है। जीव यानी क्या? जीव और अजीव दो तत्व जुदा जुदा है। जीव क्या है? जीव निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। और एक है आकार, ये शरीर है, ये आकार है। जितना भी संसार में आकार है वो नष्ट होने वाला है। उसका जन्म होता है, मरण होता है, नष्ट होता है, परिवर्तनशील होता है। तो सबसे बड़ी भूल हमारी क्या है कि हमने ये जीव निराकार को महत्व नहीं दिया, आकार को महत्व दिया। आकार यानी जो आपको आकार मिला। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में आया, 9 महीने रहा, तो माँ ने जन्म देने के बस को कोई नाम दे दिया कि तू मेरा बेटा है। पिता कहता है मेरा बेटा, माँ बहन, पूरा जीवन उसमें परिवार संग उसमें उलझा रहता है। परंतु जीव के भीतर, आकार के भीतर निराकार आत्मा है, उसको महत्व नहीं दिया। तो हमने किसको महत्व देना है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ रहती है? सबके भीतर आत्मा है, सबके भीतर आत्मा है। ये वृक्ष है, ये पेड़ पौधे है, पानी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, कहाँ भी है, उसके भीतर आत्मा है। आत्मा में कितने गुण हैं ये बताया नहीं उन्होंने? कितने गुण है आत्मा में? कितने याद है आपको वो बताओ। याद तो महाराज जी से पढ़ के आएगा, मगर आप समझाओगे तो अब समझ बेटर आएगी। हर आत्मा में, जीव कहो आत्मा कहो, जैन परिभाषा के हिसाब से इसको हम जीव कहते हैं। दो तत्व है, एक जीव एक अजीव। एक है आत्मा और एक है पुद्गल, एक है माइंड और मैटर। तो जो मैटर है वो पुद्गल है, वो नष्ट होगा, उसका आकार है। जीव यानी कहो आत्मा, वो निराकार है, उसमें 8 गुण हैं। हर जीव में 8 गुण हैं। 8 गुण कौन से हैं? उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। तो ज्ञान कहाँ है? जीव में। दर्शन कहाँ है? जीव में। सुख कहाँ है? जीव में। शक्ति कहाँ है? जीव में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। हम ज्ञान पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम शक्ति बाहर खाने पीने में, बढ़ने में, और सुख भी बाहर नहीं, भीतर है। तो ये कैसे प्रकट होगा? जब आप अपने को समझेंगे तो ये जीव कहो आत्मा में अनंत शक्ति है, पर उसने अपनी शक्ति किसको दे दी? किसको दे दी? आकार मतलब आपके भीतर मन है, बुद्धि है, 5 इंद्रियां हैं, उसको दे दी। तो आत्मा ने, जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, और 5 इंद्रियां आँख नाक कान जीभ बस, ये भी बलवान हो गई। तो जीव कमज़ोर हो गया, और ये जैसे किसी फैक्ट्री में मालिक फैक्ट्री में जाए ही नहीं, और फैक्ट्री का जो काम करने वाले लोग हैं या मैनेजर हैं वो अपने आप को पावरफुल मान लेंगे, तो मालिक चला जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी भूल जीव की क्या हुई है, आत्मा की, हमारे सब की, कि जीव आत्मा अनंत शक्तिशाली है, पर उसने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी। ये कहते ना, हम कहते ध्यान करो, मन तो लगता ही नहीं,
बुद्धि गड़बड़ करती है, आंखें रूप देखती हैं, कान शब्द ले और नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काय स्पर्श करती है, पांचों इंद्रियों के 23 विषय और मन बुद्धि ये हमें घुमाते हैं। और इस कारण आप सब हम सभी अनादि काल से 4,84,00,000 जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसके भ्रमण हम भ्रमण ना करें तो पहले तो अपने को जानो कि मैं हूँ कौन, आप हैं कौन, बोलो आप कौन हैं। मैं आत्मा हूँ, पर आप परिचय कह देते हैं मैं तान्या हूँ, मैं मेरी माँ है, बेटा है, ये है। आमतौर पर हम शरीर का परिचय देते हैं, ये तो बदलता रहता है, पर आत्मा कभी बदलती नहीं। तो आत्मा कितनी शक्ति है, शाली है। आपने सुना होगा कि शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ये आत्मा, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, शरीर का जन्म मरण होता है। भूख प्यास किसको लगती है, शरीर को लगती है। आत्मा ने अभी अन्न का भी दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पर। आत्मा सबसे शक्तिशाली है, तो हमने मुख्यता किसको देनी है, आत्मा को देनी है, आत्मा को मुख्यता देनी है। इसके लिए क्या करना होगा, हमको अपने आप को पहचानना होगा कि मैं हूँ कौन, मेरे जीव का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया, मुझे क्या करना है। तो ये 2-3 बातें हैं, आप गहराई से समझ लो तो आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो अभी तक जो भी आपने किया, अपने को समय दो। किसको समय दो, अपने को मतलब जीव को समय, आत्मा को समय। आज तक हमने किसको समय दिया, शरीर को दिया, परिवार को दिया, अपना व्यक्तित्व को महत्व दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे। एक है व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। आत्मा का अस्तित्व है, शरीर का व्यक्तित्व है। तो पूरी दुनिया किसके पीछे लगी है, किसके पीछे लगी है, शरीर के पीछे लगी, व्यक्तित्व के पीछे लगी। चाहे कितने बड़ी धनवान को देख लो, विद्वान को देख लो, पूरी दुनिया में घूम लो, राजनेता को देख लो, मेरा व्यक्तित्व बड़ा हो जाए, मेरे पास धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, मेरा नाम हो जाए, तो ये जो कुछ भी है ये तो आएगा, चला जाएगा, मिट जाएगा। हमने ये तो रहेगा व्यक्ति अस्तित्व को महत्व, अस्तित्व का मतलब है आत्मा। तो पहले आत्मा को जानना, समझना, उसको महत्व देना। ध्यान क्या है, जीव यानी आत्मा, जीव को जानना, जीव पर श्रद्धा करना, जीव में रुचि होना और जीव का जीव में ठहर जाना, यही शुक्ल ध्यान है। इससे कर्मों की निजरा होती है। तो ये बहुत उपयोगी है ध्यान में आने का, ये भाव प्रार्थना है। आगे सोहम है, आगे संकल्प है, मैं बाकी बताता हूँ आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको गहराई में समझ में आएगी। तो सोहम ध्यान में क्या है कि सारे जीव का गुण एक समान है, चाहे वो सिद्ध के हैं, चाहे नरक के नेरियाँ हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी है, चाहे देवलोक हैं, उनकी जो गति शरीर अलग हो सकते हैं, पर उनमें जो आत्मा है सब समान है। इसलिए हम सोहम की साधना की चर्चा करते हैं। आगे हमारा संकल्प सूत्र, संकल्प सूत्र क्या है, अगला 20 पेज। मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चय सिद्धालय जाऊँगा। मतलब ये घर तो अपना शरीर का है, जहाँ आप रहते हैं, जैसे ये मकान है, तो हमारे आत्मा का घर क्या है, सिद्धालय, सिद्ध गति। तो इसकी 5 सीढ़ियाँ हैं। श्रद्धा, श्रद्धा हृदय से आती है, आपके खून के कतरे कतरे में अपने जीव के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब आत्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जीव के प्रति। प्रयास, जो संकल्प किया है उसके लिए पूर्ण रूप से मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। स्मृति, जो संकल्प किया है वह तुम्हें याद रहना चाहिए, उससे तुम्हारे जीवन में जागरूकता आएगी। एकाग्रता, अपने संकल्प पर अपने मन को एकाग्र करो। विवेक, हमारी बुद्धि विवेक से युक्त हो,
होश पूर्वक विवेक से कार्य करें। संकल्प जो आप संकल्प करते हैं उसकी 5 सीढ़ियाँ हैं। आप कोई भी काम करते हैं, संकल्प करते हैं मैं ध्यान करूँगा, मैं ये काम, उसकी 5 सीढ़ियाँ। पहले श्रद्धा, श्रद्धा जिस श्रद्धा किसके प्रति, जीव के प्रति, आत्मा के प्रति। दूसरा प्रयास, जो आपने संकल्प किया है उसको पूरा मेहनत करना, पुरुषार्थ स्मृति उसको याद बनाए रखना, ऐसा नहीं कि संकल्प किया तो भूल गए, उसको याद करना, जागरूकता बने, उसके प्रति एकाग्र होना, मन को एकाग्र करना। विवेक, हमारी बुद्धि विवेक से युक्त हो, होश पूर्वक विवेक से कार्य करे। संकल्प आवश्यक। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मैं यही कहूंगी कि सब लोग यहाँ पे जो आए प्लीज ये शिविर कीजिए और इसका अनुभव खुद ही लीजिए, क्योंकि ये बता नहीं सकते ये क्या करेगा आपके लाइफ के साथ। इट इज़ एवरीथिंग डिफरेंट। ये एक, मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये आपके हर क्वेश्चन का एक ही जवाब है। तो आप यही करना और इसके अलावा किसी चीज़ को ज़्यादा तो महत्व नहीं देना, ये मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। थैंक यू गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शाम। सर के सिरे से पांव की अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा जो तुम हो थे रहोगे, इस शरीर का संसार में जिसको भी आप देख रहे हैं वो आकार है, चाहे आपका परिवार है, घर है, संबंधी है, जो भी आपके साधन हैं, मोटर गाड़ी, बंगला, धन प्रतिष्ठा, इस आकार में सब नष्ट हो जाते हैं जब जीव निकल जाता है। जीव निराकार है, आत्मा निराकार है। आत्मा में सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाओगे, सुख का, शक्ति का, शांति का अनुभव करोगे, अपने भीतर चले जाओ, गहरे चले जाओ। सुख आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान आप स्वयं हैं। इसका अनुभव गहराई में करेंगे। सब में जीवात्मा है, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है, पूरे लोक में आत्मा है, निराकार है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। प्राणी मात्र के जीवों के लिए मंगल की कामना कीजिए। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही ना कोई। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही ना कोई। सत्य धाराम सबको मिले, सबका मंगल हो। शोध धाराम सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो।
सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमं संति यस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण आरेण शरण काजर अमर उसका सराही मन होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है,